एबीपीएस न्यूज़। ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों द्वारा कराए गए विकास कार्यों को सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज की टीम जनपद बुलंदशहर के गांव चिरौरी रानी कात्यानी पहुंची, जहां पर ग्राम प्रधान गुलाब सिंह हैं। इस गांव की जनसंख्या 2100 है और यहां पर वोटरों की संख्या 1134 है। ग्राम प्रधान से जब उनके कराए कार्यों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इंटरलॉकिंग की 10 रास्ते बनवाए हैं, स्कूल में इंटरलॉकिंग कराई है, शौचालय भी बनवाया है और एक शौचालय ऐसा बनवाया है जो मॉडल शौचालय के रूप में पूरे स्कूल में अलग ही दिखाई देता है। गांव में इसके अलावा 100 अन्य शौचालयों का भी निर्माण ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है और 2 आवास लोहिया आवास के रूप में तथा 2 प्रधानमंत्री आवास के रूप में उन्होंने लोगों को दिलाए हैं। इसके साथ साथ ग्राम प्रधान की मांग है कि गाँव में 3 आंगनबाड़ी केंद्र बनने चाहिए, पंचायत घर होना चाहिए, बारात घर भी यहाँ पर नहीं है और 40 सौर ऊर्जा लाइटों की भी गाँव को आवश्यकता है। ग्राम प्रधान की केंद्र और राज्य की सरकारों से मांग है कि उनके गांव में एक बड़े नाले की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जो पानी निकासी यहां पर बाधित हो रही है उससे पानी की निकासी भी ठीक हो जाएगी। खेल के मैदान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि बच्चों के खेलने के लिए यहां कोई मैदान भी नहीं है, इसलिए सरकार को इस मैदान की भी व्यवस्था करनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके गांव में अभी 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलने चाहिए। स्वास्थ्य की बात पर उन्होंने कहा कि ना तो यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है और ना ही यहां पशु चिकित्सालय है, इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पशु चिकित्सालय दोनों का निर्माण होना यहां पर बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत की संपत्ति कुछ लोगों ने अपने कब्जे में ले रखी है, कई बार शिकायत होने के बावजूद भी उस संपत्ति को कब्जा मुक्त नहीं कराया जा सका है, इसलिए उनकी मांग है कि पंचायत की परिसंपत्ति के रूप में जो जमीन पड़ी है उसे कब्जा मुक्त कराया जाए। विकास खंड डिवाइस जिला बुलंदशहर। हमने अपने गांव में जो है मतलब इंटरलॉक कराई अच्छे से, करीब 400 मीटर के 300 मीटर करीब इंटरलॉक करा दी। साथ हमने जो है ट्रांसफार्मर नहीं लगवाए हैं, स्कूल की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, इसमें पूरे मेंटल लॉक कराई है, पूरे स्कूल अच्छे से कराया एकदम बढ़िया से। हमने जो है 100 लेटरिन फिलहाल में 100 लेटरिन बनवा दी अभी तक गांव में, और जो हमारे अभी फिलहाल में ज़रूरत है वो बारात घर की है, पंचायत घर की ज़रूरत है हमें। हमारे गाँव में एक छोटा सा साइड में छोटा बड़ा नाला है, उसमें प्राइमरी स्कूल की ज़रूरत है। सरकारी खाद गोदाम से करनवा से लिंग रोड तक दवाई के लिए जो रास्ता जाता है वहाँ तक हमें रास्ता की जरूरत है, हमारा रास्ता बहुत ख़राब हो गया एकदम, ज़्यादा से काली सड़क की जरूरत है, एकदम उसको काली सड़क करवाई जाए। गांव में विधवा पेंशन हमारे यहाँ बहुत कम है, विधवा हैं, विकलांग हैं, वृद्ध हैं, उन्हें सुरक्षित कराई जाए। सूर्य लाइट, हमारे गाँव की आबादी कम है, पैसा कमाता है, इसलिए सूर्य लाइट हम लगा नहीं सकते अपने निधि से, तो कम से कम 30-40 सूर्य लाइट हमें ज़रूरत है हमारे लिए। और हमारे जो है बच्चों के लिए मंगल दिवस की मंगल दल की तरह जगह है, वो उस पर कब्जा है वो भी हटनी चाहिए, पंचायत घर है उस पर कब्जा है वो भी हटना चाहिए। छोटी सी पोखर है, इसको शुद्धिकरण कराने के और उसको अच्छे से बीच आबादी में है इसमें, इससे गंदगी हो रही है, कीड़े मच्छर बिच्छू से आप बहुत सारे इसमें समस्या है, तो हमारी ये शहरीकरण कराया जाए, पानी की व्यवस्था करी जाए, नाले में पहुँचाया जाए, पानी की व्यवस्था कराई जाए, इसमें गंदा नाला है हमारे पास में, नाले में उसके लिए नाला नाले में पैसा अच्छा लगेगा तो उस नाला बनाया जाए। जैसे पहले 2500 रुपये मानदे था प्रधानों का, 1000 रुपये बढ़ा के 3500 रुपये कर दिया गया है, या तो फिलहाल में आप मानदे बढ़ाया जाए या फिर तनख्वाह 10,000 रुपये करी जाए, कम से कम 10,000 रुपये करी जाए, पेट्रोल का भी खर्चा नहीं होता है, 4 आदमी आ जाते हैं, 4 नाश्ते का भी खर्चा नहीं होता उसमें, कम से कम 20,000 रुपये तो कम से कम मानदेय होना चाहिए, या फिर 10,000 रुपये महीने का तनख्वाह होनी चाहिए। एक ग्रामीण वासी हरवीर सिंह नायक, ग्राम चरौदानी कात्यानी, तहसील में थाना डिवाई जिला बुलंदशहर का निवासी हूँ।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गांव में जहाँ तक कोशिश हुई है, प्रधान ने अच्छा विकास किया है, लेकिन उसके बावजूद जिन भी समस्याएं ज़्यादा हैं, क्योंकि पैसा कम आता है हमारे यहाँ छोटी जनसंख्या होने के नाते। अभी हमारा एक गोदाम से कर्णवास लिंक रोड को छोटे नंगले से बड़े नंगले होते हुए जो रास्ता जाता है वो बुरी हालत में है, कहीं खर्चा है कहीं नहीं है, तो उसको काली सड़क करवाई। मेरा नाम मंजीत सिंह है और फराना जी कहते हैं, गांव चरोली कात्यारी जिला परिषद। हमारे गांव के प्रधान जी बहुत बढ़िया हैं और बढ़िया विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में कुछ लोगों ने दबंगों ने जमीन ज़्यादा दबा रखी है, सीलिंग विलिंग की, कृपया करके उसे निकल पाए। सिंह नायक चरोली रानी कात्यानी का निवासी हूँ, जिला बुलंदशहर तहसील दुबई थाना, मतलब जिला बुलंदशहर है, थाना तहसील दुबई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमारे गांव की इधर आप गंदगी देखिए और कितनी गंदगी है, ये हमारे गांव में गंदगी पड़ी है, अपने घर का कचरा कूड़ा डालते हैं, ये ग्राम समाज की ज़मीन है। हमें प्राइमरी स्कूल की सख्त आवश्यकता है, हमारे छोटे बच्चे 1.25 किलोमीटर स्कूल पड़ता है, चरोई रानी कात्यानी इसी पंचायत में, वहाँ नहीं जा पाते हैं। लिहाजा या तो आप बारात घर में, हमारे यहाँ कोई बारात ठहरने को जगह नहीं है, या तो बारात घर बनवाया जाए या आंगनवाड़ी बनवाई जाए या प्राइमरी स्कूल बनवाया जाए, ताकि इसको गंदगी को ख़त्म किया जा सके और यहाँ से बीमारियाँ। ये जो रास्ता है हमारा चरौली से छोटे नगला होते हुए बड़े नगला होते हुए कर्णवास लिंग रोड है, जो डिवाई से कर्णवास लिंग रोड 8 किलोमीटर ये पक्का रास्ता गंगा के किनारे है, गंगा जी तक रोड जाता है, ये रास्ता कच्चा है हमारा, ये रास्ता हमारा एकदम पक्का कराया जाए, निहाली काली सड़क कराई जाए इसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।